हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो अब हम समझ रहे हैं बच्चों, हमारा पी ब्लॉक सेकंड का ग्रुप 16 चालू हुआ हमारा आज। हमारा आज कौन सा ग्रुप से स्टार्ट हुआ बच्चों? ग्रुप 16। अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था बच्चों? ग्रुप 15 का मतलब क्या? नाइट्रोजन फैमिली। अब हम किसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करने वाले बच्चों? ग्रुप 16 मतलब ऑक्सीजन फैमिली। तो ग्रुप 16 का मतलब हमारा क्या होता है? जनरली हम लोग कौन सी फैमिली के बारे में यहाँ से पढ़ेंगे बच्चों? ऑक्सीजन फैमिली के बारे में। आज हम कौन सी फैमिली के बारे में पढ़ने जाने वाले हैं बच्चों? ऑक्सीजन फैमिली के बारे में पढ़ने जाने वाले हैं। अब समझते हैं ऑक्सीजन फैमिली। अब यहाँ पर इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं उसको समझते हैं एक एक करके। तो देखो, सबसे पहले ऑक्सीजन फैमिली में आपका कौन सा होता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलेनियम, ये आपका एलिमेंट होता है। बात क्लियर है? ये आपके कुछ एलिमेंट होते हैं। अब इसमें से जो ऊपर वाले दो एलिमेंट होते हैं बच्चों, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा? नॉन मेटल। ये दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं बच्चों? नॉन मेटल। ये आपके होंगे बच्चों क्या? नॉन मेटल। ये दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे? नॉन मेटल। ये दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे? सेमी मेटल। ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे बच्चों? सेमी मेटल। और ये आपका आ जाएगा मेटल, लेकिन ये आपका क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। ये क्या होता है बेटा आपका? रेडियो एक्टिव मेटल। ये क्या होता है? रेडियो एक्टिव मेटल, जिसका टी हाफ जिसका 13.6 आवर्स होता है। टी हाफ का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी हाफ? टी हाफ का मीनिंग होता है हाफ टाइम। कोई भी कंपाउंड अपने आप को आधा खत्म करने में कितना टाइम एक्सपेंड करता है उसको बोलते हैं टी हाफ। तो टी हाफ इसका कितना होता है? 13.6। ठीक है, अभी हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे इसके बारे में, बस इतना हमको ध्यान रखना है। ठीक है, एक्चुअली में अब देखो इसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं बच्चों इसका। अब देखो इसका होता है 8। अब 8 में आपको 8 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा? 16। 16 में आपको कितना जोड़ना है बच्चों? 16 में आपको जोड़ना है 18। 16 में आपको कितने जोड़ने हैं? 18। तो 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 34। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 34। अब टी यहाँ पर भी आपको कितने जोड़ने बच्चों? आप लोगों को यहाँ पर भी ध्यान से देखो, यहाँ पर भी आपको जोड़ने 18। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों? 52। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 84। यहाँ आपको कितने जोड़ने हैं बच्चों? 32। इसके बीच आपके 32 एलिमेंट्स आते हैं। कितने एलिमेंट्स आते हैं? 32 एलिमेंट्स। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझो। ठीक है, अब बात को फोकस करना। इसको बोलते हैं ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं सल्फर, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सल्फर। इसको बोलते हैं सेलेनियम, इसको बोलते हैं टेलोरियम, इसको बोलते हैं पोलोनियम, इसको क्या बोलते हैं? पोलोनियम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पोलोनियम। ये हो गया हमारा, इस तरीके से हमारा कुछ कंसेप्ट है जो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको इसको डील करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को मैंने जनरल इंट्रोडक्शन बता दिया ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट नहीं होते। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन बता दिया। अब हम मेजरली इसकी बात हम यहाँ पर क्या करेंगे? अकरेंस के बारे में, कि ये आपको अकर कैसे होता है, इसके अकरेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चों। तो देख लेते हैं इसका अकरेंस। अब देखो अकरेंस में क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन का अकरेंस। ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलेगा? थोड़ा सोचेंगे। ऑक्सीजन इज अ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहां पर? मैं पॉइंट लिख देता हूं, ऑक्सीजन इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ। अर्थ में आपका सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट होता है आपका कौन? आपका ऑक्सीजन। अर्थ में आपका सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन होगा बच्चों? ऑक्सीजन होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर 20.49 अप्रोक्सीमेट परसेंटेज बाय वॉल्यूम प्रेजेंट इन एयर। मतलब बाय वॉल्यूम प्रेजेंट इन एयर, मतलब एयर में आपका कितना प्रेजेंट होता है बच्चों? ये आपका 20.49% अब वो एयर में बोलो या एटीएम मतलब एटमोस्फियर में आपका कितना प्रेजेंट होता है बच्चों? ये आपका
20.49%, ठीक है 20.49% एब्सेंट। लेकिन अब जो आपके एटमॉस्फेयर में जो 20.49% होता है उसका, समझना ध्यान से, 20.49% तो मुझे एटमॉस्फेयर में दिख रहा है, सराउंडिंग में, सराउंडिंग में मुझे 20.49% दिख रहा है। अब उसमें भी 20.49 का जो 20.49 तो मिल रहा है, अब 20.49 में से जो 30% पार्ट है, समझना ध्यान से, 20.49 में से जो 30% पार्ट है वो हमको कहां से मिलता है बच्चों? अमेज़न रेन फॉरेस्ट से। कहां से मिलता है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट से मिलता है। बात क्लियर है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट से मिलता है। तो ध्यान रखना, इसीलिए बोलते हैं वो सबसे कम हमको प्लांट पे कटिंग करना चाहिए, ठीक है। 30% जो अर्थ पे जो ऑक्सीजन है उसका सबसे बड़ा मेजर प्रोपोर्शन अमेज़न रेन फॉरेस्ट आपका खींचता है। आप देखो 46.6% ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट मतलब अर्थ क्रस्ट में, मतलब जो जमीन के अंदर है, जमीन के अंदर आपका कितना 46.6% आपका ऑक्सीजन होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड या फिर हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर सिलिकेट, या फिर हम क्या बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पर सिलिकेट। ऑक्साइड का मतलब O के ऊपर क्या बेटा 2-, सिलिकेट का मतलब SiO4 2-, ये होता है सिलिकेट। देखो सिलिकेट में पहले से क्या प्रेजेंट है बच्चों, आप लोग देख सकते हो, फॉर्मूला ध्यान रखना है। सिलिकेट में आपका पहले से क्या प्रेजेंट है बच्चों? ऑक्सीजन, ठीक है। अब कई बार आप लोगों को लग रहा होगा कि सर अकरेंस से तो क्वेश्चन नहीं आता है। अरे बच्चों अकरेंस से भी क्वेश्चन आ जाता है जेई में, ध्यान रखना, जेई आपको छोटा मोटा नहीं है, अकरेंस से भी आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर सल्फर, अब ये तो था हमारे ऑक्सीजन की बात, अब देखो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट सल्फर हमको कौन से फॉर्म में मिलता है? सल्फर इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड एंड सल्फेट ओर। सल्फर इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड एंड सल्फेट, मतलब आपके सल्फाइड और सल्फेट के फॉर्म में आपका प्रेजेंट होता है, क्या आपका इनके ओर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये तो आपका सल्फर प्रेजेंट होता है मेनली। अब आपको समझना है कि ओर क्या होता है, व्हाट इज द ओर, आपको ओर समझना है। ओर क्या होता है बेटा बताओ? और एक दो टर्म्स होते हैं बच्चों आपके, और भी होता है, एक आपका क्या होता है बच्चों? मिनरल भी होता है। बहुत बड़ी बात है बच्चों, और मिनरल। अब मिनरल क्या होता है आपका, और क्या होता है? अब मिनरल आपका वो आपका कंपाउंड होता है जिससे हम इकोनॉमिकली वे में, कैसे इकोनॉमिकली वे का मतलब क्या है थोड़ा सोच के बताओ। इकोनॉमिकली वे का मतलब ये है कि कम लागत में हम मेटल को ऑब्टेन कर सकें, ठीक है। तो समझना यहां पर, और आपका क्या होता है बेटा? फ्रॉम विच वी कैन ऑब्टेन मेटल इन इकोनॉमिकली वे, मतलब हम इकोनॉमिकली वे में हम मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं इससे। लेकिन अगर मैं बात करूं मिनरल की, तो मिनरल क्या होता है बेटा? फ्रॉम विच वी ऑब्टेन मेटल इन इकोनॉमिकली एज वेल एज अनइकोनॉमिकली, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि अब हम लोग यहाँ से मिनरल क्या होता है और क्या होता है। एवरी और कैन बी अ मिनरल, सारे के सारे और आपके क्या बन सकते हैं बच्चों? आपके मिनरल हो सकते हैं। सारे के सारे और आपके क्या हो सकते हैं बच्चों? मिनरल हो सकते हैं। लेकिन सारे के सारे मिनरल आपके और नहीं हो सकते, सारे के सारे मिनरल आपके और नहीं हो सकते। ये बात लाइन को समझो ना, देखो यहाँ पर इकोनॉमिकली मैंने लिखा है, यहाँ पर भी अनइकोनॉमिकली लिखा है। लेकिन यहाँ पर जो इकोनॉमिकली ऑब्टेन होगा जहाँ से मेटल,
वो मिनरल आपका और होगा, लेकिन जहां से अनइकोनॉमिकली वे से निकलेगा वो मिनरल आपका और नहीं होगा। समझ में आ गया? तो ये पॉइंट आप लोगों को अभी से ध्यान रखना है, और क्या होता है और मिनरल क्या होता है। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स के नाम लिखा दिया है, लिखा था बच्चों आपको, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो देखो, सम इंपॉर्टेंट ओर्स आर, सम इंपॉर्टेंट ओर्स आर, सबसे पहले पीबीएस। पीबीएस को क्या बोलते हैं? गैलेना। पीबीएस को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? गैलेना। जेडएनएस को क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेड। जेडएनएस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? जिंक ब्लेड, ठीक है जी। जेडएनएस को हम क्या बोलेंगे बच्चों? जिंक ब्लेड। अब देखो CuFeS2, इसको क्या बोलेंगे? कॉपर पाइराइट। ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई में, इसको बोलते हैं कॉपर पाइराइट। क्या बोलते हैं इसको? कॉपर पाइराइट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है जेई में, कॉपर पाइराइट। और एक और बच्चों इसमें कुछ हम बोल सकते हैं Cu2S, Cu2S को हम बोलते हैं कॉपर ग्लैंस। क्या बोलते हैं? कॉपर ग्लैंस, ठीक है। ये कुछ है, कुछ आपके और है जो आपको ध्यान रखने, ठीक है। कुछ और मेरे का और का नाम मैंने लिखवाया है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देख लेते हैं ऊपर थोड़ा और, मैं और लिखा देता हूँ सल्फेट के बारे में। देखो मैं अब आपको सल्फेट और भी लिखा देता हूँ। सल्फेट और जैसे हमारा MgSO4, MgSO4 6H2O, दैट इज कॉल्ड इप्सम सॉल्ट, दैट इज कॉल्ड इप्सम सॉल्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इप्सम सॉल्ट बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इप्सम सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग जान सकते हो CaSO4 2H2O, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? जिप्सम। ये चीज़ें आप लोग जानते हो, ये चीज़ें आप लोग, ये वाला तो आपने क्लास टेंथ में पढ़ के आए हो, ठीक है। तो ये तो था हमारे सल्फेट और सल्फाइड, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो आपका सल्फर आपका वोल्केनो रीजन में भी प्रेजेंट होता है, तो ध्यान रखना सल्फेट प्रेजेंट इन वोल्केनो रीजन इन अर्थ, मतलब जहां पर वोल्केनो होगा वहां पर आपका कौन प्रेजेंट होगा बच्चों? सल्फर प्रेजेंट होगा। तो बात को समझते ध्यान से, मैं पॉइंट लिखवाता हूं आप लोगों को, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा बच्चों। बात को देख लेते हैं बच्चों, यहां पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात कि फोर्थ पॉइंट हो गया था, फिफ्थ, सल्फर ऑल्सो प्रेजेंट इन वोल्केनो रीजन, मतलब आपके वोल्केनो रीजन में भी आपका क्या प्रेजेंट है बच्चों? सल्फर प्रेजेंट होता है। सल्फर आपका कौन से रीजन में प्रेजेंट होता है बच्चों? वोल्केनो रीजन में भी आपका सल्फर प्रेजेंट होता है। अब बात, सबसे बड़ी बात ये है कि आपका जब सल्फर आपका वोल्केनो रीजन में प्रेजेंट होता है, आपने देखा होगा जहाँ पर भी वोल्केनो रीजन में जो भी आपके लेबर वर्क करते हैं, वो अपने चेहरे पर मास्क लगाते हैं ना, वो ये वाला मास्क नहीं होता, नॉर्मल मास्क, वो अलग अलग टाइप का मास्क होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि सल्फर हमारे बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल है। तो जहाँ पर वोल्केनो प्रेजेंट होता है वहाँ पर आपके H2S गैस भी प्रेजेंट होती है स्मॉल अमाउंट में। H2S गैस वहाँ पर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, और एटमॉस्फेयर में जब आपके स्मॉल अमाउंट में H2S गैस प्रेजेंट होगा तो वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करेगा, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या कर लिया बच्चों? सल्फर का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब देखो सल्फर यहाँ पर सल्फर ऑल्सो प्रेजेंट इन many organic compound like mustard gas, protein and eggs। यहाँ पर भी आपका क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? आपका सल्फर। सल्फर आपका बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी प्रेजेंट होता है, लाइक मस्टर्ड ऑयल गैस। ये एक्चुअली इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये वर्ल्ड वॉर के टाइम में यूज़ किया गया वेपन है। दिस इज अ वेपन
दिस इज अ बायोलॉजिकली केमिकल बायोकेमिकल वेपन, ये आपका वेपन है जो कि आपके आपके वर्ल्ड वॉर टू के टाइम यूज किया गया था, जो कि आपके किसके टाइम यूज किया गया था बेटा, वर्ल्ड वॉर टू के टाइम आपको यूज किया गया था मस्टर्ड गैस। ठीक है, एक और आपका गैस है बच्चों, लेकिन यहाँ पर मस्टर्ड गैस के बारे में आपको जान लो। उसी के बाद से एक ऐसा मतलब रूल निकला कि हम लोग वर्ल्ड वॉर में बायोकेमिकल का यूज नहीं कर सकते। तो यहीं से ध्यान रखो कि मस्टर्ड ऑयल गैस और एक और गैस है बच्चों, फॉस्जिन गैस, एक और गैस आता है बच्चों जो कि वर्ल्ड वॉर में किया गया था यूज, फॉस्जिन गैस। कौन सा? फॉस्जिन गैस। तो दोनों गैस का आपका वर्ल्ड वॉर में कहीं ना कहीं किया गया है यूज। तो अभी से आप इसी तरीके से ध्यान रखो, वर्ल्ड वॉर में जो यूज हुआ है वो मस्टर्ड ऑयल गैस और फॉस्जिन गैस, ये दोनों के दोनों पॉइजनस होते हैं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं मस्टर्ड ऑयल गैस आपस में क्या होता है बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अब देखो सेवंथ, सेलेनियम एंड टेलुरियम। अब देखो इसके बारे में बता दिया करें, इसके बारे में बता दिया, इसके बारे में बता देते हैं। अब देखो सेवंथ आपका क्या होता है बच्चों, सेलेनियम एंड टेलुरियम प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेलेनाइड एंड टेलुराइड, मतलब इन दोनों के फॉर्म में आपका प्रेजेंट होता है आपका क्या, सेलेनियम और टेलुरियम, ये इन दोनों के ही फॉर्म में आपका सेलेनियम और आपका टेलुरियम प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से हम इस बात को इजीली समझ भी पा रहे होंगे कि किस तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है। अब यहाँ पर तो हमने अकरेंस को ख़त्म कर लिया है, अकरेंस मैंने ख़त्म कर दिया है, अब हम बात करते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देख लेते हैं एक एक करके एटॉमिक प्रॉपर्टीज। तो अकरेंस आपको आज के आज ही याद हो जाना चाहिए, जिस तरीके से आपने फॉस्फोरस और नाइट्रोजन का मैंने बताया वही फ्लो रहेगा इस चैप्टर इसके लिए भी, लेकिन ये थोड़ा खासा छोटा है एज कम्पेयर टू अदर्स ये खासा छोटा है। मैं आपको बताता हूँ तरीका समझना। सबसे पहला एटॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहला एटॉमिक प्रॉपर्टी हमारा क्या होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा देता हूँ एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट का एटॉमिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ग्रुप 16 एलिमेंट्स का आपको क्या बताना है बच्चों, एटॉमिक प्रॉपर्टी। तो बात समझना, ग्रुप 16 एलिमेंट का एटॉमिक प्रॉपर्टी क्या होगा। देखो सबसे पहला मैं आपको बात कर रहा हूँ बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात समझना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इसका जो जनरल आउटर को शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, NH2NP4, क्या होगा, NH2NP4। तो समझ लेते हैं यहाँ पर जनरल जो आउटर मोस्ट गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा मैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल इक्वल टू क्या होगा, NH, यहाँ पर मैंने बोल दिया नोबल गैस NH2NP4। ठीक है, हियर N इज़ अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर बोल सकते हैं नंबर ऑफ शेल बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं नंबर ऑफ पीरियड, ये भी आपका हो सकता है। अब बात को समझते बच्चों ध्यान से कि यहाँ पर ऑक्सीजन का आपका कौन सा पीरियड होता है बच्चों, सेकंड पीरियड होता है। सल्फर का आपका कौन सा होता है, थर्ड पीरियड होता है। सेलेनियम का आपका कौन सा होता है, फोर्थ पीरियड होता है। टेलुरियम का आपका कौन सा होता है, फिफ्थ पीरियड होता है। और इसका कौन सा पीरियड होता है, सिक्स्थ पीरियड होता है। अब मैं एक एक करके इसी के सामने इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता जाता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का रीज़न मेरा यहीं पर क्यों है मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं एटॉमिक प्रॉपर्टी के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कभी मैं रब नहीं करूँगा, थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। तो आपका जनरल क्या था, नोबल गैस NH2NP
फोर, ठीक है, ये आपका जनरल था वहां से। अब देखो यहां पर आपका क्या आएगा, नोबल गैस आपका हीलियम, यहां पर क्या आएगा हीना, नीना और करीना, हीना नीना और करीना, जेरोक्स करते रहना, ये मैंने लिख दिया कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2s2 2p4, यहाँ पर लिखेंगे 3s2 3p4, यहाँ पर क्या लिखेंगे 4s2 4p4, यहाँ पर क्या लिखेंगे 5s2 5p4, यहाँ पर क्या लिखेंगे 6s2 6p4। तो ये कुछ आपके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं इस एलिमेंट के, ठीक है। मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बता दिया, लेकिन जो यहाँ पर होता है, समझना बात को, बात को ध्यान से समझने का प्रयास करना, इसके आगे आपका 3D सीरीज होता है, इसके आगे आपका होता है 4D सीरीज, और इसके आगे आपका होता है 4F और 5D सीरीज, ठीक है, इसके आगे आपका होता है 4F और 5D सीरीज। तो जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ये वाला, वो आपका इनकरेक्ट है। देखो उसमें मुझे ये वाले एलिमेंट भी बताने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 3D10, थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखो, हम लोग गलती कर देते हैं, मैंने भी अभी गलती कर दिया था जल्दबाजी में, तो आप लोग भी गलती कर सकते हो। यहाँ पर क्या आएगा 4D10 5S2 5P4, और यहाँ पर क्या आएगा 4F14 5D10 6S2 6P4। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आप लोगों को बता दिया है, काफ़ी इजी है, काफ़ी सिंपल है, एक दो बार रिपीट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और थोड़ा आप जो चैप्टर ये पढ़ोगे वो आप नाइट्रोजन फैमिली को एज कंपेरेटिवली तरीके से पढ़ना, अगर आप नाइट्रोजन फैमिली को कंपेरेटिवली तरीके से आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी एटॉमिक प्रॉपर्टी के बारे में। जो दूसरी एटॉमिक प्रॉपर्टी है बच्चों हमारी कौन सी है बच्चों, यहाँ पर एटॉमिक प्रॉपर्टी में एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक अगर रेडियाई की बात करूँगा बच्चों में, तो आप लोग जानते हो, एज वी नो दैट डाउन टू द ग्रुप व्हेन वी मूव डाउन टू द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल देन एटॉमिक रेडियाई विल इंक्रीज, ठीक है। तो एज वी नो दैट, हम जैसा हम लोग जानते हैं बच्चों, एज वी नो दैट व्हेन वी मूव डाउन टू द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। अब एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी, क्यों इंक्रीज होगी, ड्यू टू द इंक्रीमेंट इन एक्स्ट्रा शेल, मतलब एक्स्ट्रा शेल इसमें इंक्रीज होगा। अब देखो यहाँ पर कितने शेल थे, 2 शेल थे, यहाँ पर कितने, 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है। तो मैंने आपको क्या बताया था, यही आपका नंबर ऑफ शेल भी होता है। तो नंबर ऑफ शेल बढ़ता है जैसे जैसे जाते हैं नीचे, वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ता है, और नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से आपका क्या होता है बेटा, एटॉमिक रेडियाई बढ़ता जाता है। देखो जैसे मैं अगर बोलूँगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम, अगर मैं इधर से इधर, मतलब सॉरी यहाँ पर ध्यान से समझना, अगर मैं पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स को देखूँ, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आपका साइज आपका बढ़ेगा, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आपका साइज क्या होगा बच्चों, घटेगा। ये बात आप लोग जानते हो। तो ग्रुप में आप नीचे जा रहे हो तो साइज बढ़ रहा है, ग्रुप में नीचे जा रहे हो तो आपका क्या बढ़ रहा है बेटा, साइज बढ़ रहा है। इसका मतलब आपके क्या हो रहा है बेटा, एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल, मतलब एक्स्ट्रा शेल का आपका क्या हो रहा है बच्चों, एडिशन हो रहा है। ये बात समझ में आई आप लोगों को, यहाँ तक आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसा आप लोग जानते हो आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ध्यान से समझेंगे बच्चों यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर को, तो देख लेते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, अब समझना आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी होती क्या है बच्चों, पॉइंट को समझने का प्रयास करना, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी, व्हेन वी रिमूव द वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल
फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी गैसियस आइसोलेटेड एटम। मतलब अगर मैं किसी, यही बात मैं बहुत बार बोलूंगा बेटा, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। अब देखो, जैसे मैंने ए कोई लिया, ये मेरा क्या है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब हमेशा क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। आइसोलेटेड गैसियस एटम में से जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो आपका क्या बन जाता है बच्चों, यहाँ पर A प्लस बन जाता है। तो आपका क्या बन जाता है, A प्लस। और इसी मतलब यहाँ पर अगर मैंने N इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो यहाँ पर N E प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर N प्लस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, N प्लस आ जाएगा। अब मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, और कहाँ से रिमूव करेंगे, आउटर मोस्ट शेल से। अब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमको क्या होगा बच्चों, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्या होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी, वो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, दिस रिक्वायर्ड एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी रिक्वायर्ड एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब अब बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि आयोनाइजेशन एनर्जी को कैसे समझना है। समझना, आइसोलेटेड गैसियस एटम में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा तो सबसे पहले आपका क्या बनेगा बच्चों, आपका कैटायन बनेगा। और बात को समझना, कैटायन बनेगा, और आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में मुझे एनर्जी रिक्वायर्ड पड़ी, और जो एनर्जी हमको रिक्वायर्ड पड़ेगी दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आप लोग जानते हो जैसा कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी आप लोग जानते हो इस पॉइंट को, मैं आपको बता देता हूं। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। तो इसका मतलब व्हेन वी मूव टू द डाउन टू द ग्रुप, पीरियोडिक टेबल में जब मैं टॉप टू बॉटम मूव करूंगा, पीरियोडिक टेबल में मैं जब टॉप टू बॉटम मूव करूंगा तो आपका क्या होगा बच्चों, पीरियोडिक टेबल में मैं जब टॉप टू बॉटम मूव करूंगा तो आपका क्या होगा बच्चों, साइज बढ़ेगा। इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी क्या होगी बच्चों, कम होगी। आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बच्चों, कम होगी। ठीक है, ये तो मेरा क्या था बेटा, इन ग्रुप, ये मैंने ग्रुप में बताया, इन ग्रुप का यही कैरेक्टर है। अगर मैं ग्रुप वाइज जाऊंगा तो यही समझ में आना चाहिए हमको। अगर मैं ग्रुप वाइज जाऊंगा तो हमको ऐसे ही करना है। अगर मैं पीरियड वाइज गया तो क्या होगा उसको समझते हैं, देख लेते हैं बच्चों हम लोग। पीरियड वाइज जाएंगे तो अगर मैं पीरियड वाइज गया, देखो यहाँ पर मैं लेफ्ट टू राइट गया, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है बच्चों, जनरली आपका साइज क्या होता है बच्चों, साइज आपका घटता है। साइज घटता है इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो अगर यहाँ पर मेरा आता है, यहाँ पर मेरा आता है ऑक्सीजन फैमिली, और यहाँ पर मेरा आता है कुछ मान लो नाइट्रोजन फैमिली, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, साइज घटता है। अब देखो नाइट्रोजन फैमिली और यहाँ पर कौन सा आता है, ऑक्सीजन फैमिली। जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊँगा तो ऐसा मिलेगा। और इस फैमिली को हम बोलते हैं फिफ्थ ए, और इसको क्या बोलते हैं, सिक्स्थ ए। तो जनरली यहाँ से यहाँ जा रहे तो साइज छोटा हो रहा है, साइज आपका किसका छोटा है, ऑक्सीजन का। अगर मैं जनरल इसके हिसाब से ऑर्डर बनाना चाहूँ तो जनरली मैं क्या लिखूंगा बच्चों, जनरली आपका 6A एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 6A एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा किससे, 5A एलिमेंट से। बट होता क्या है बच्चों, ड्यू टू द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मतलब आधे फिल्ड ऑर्बिटल होने की वजह से इसमें क्या होगा बच्चों, ड्यू टू द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आपका क्या होगा बच्चों, फिफ्थ ए एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बच्चों, स्टेबल होती है, और स्टेबल होने की वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। तो इस वजह से क्या होगा बच्चों, एक्सेप्शन तो नहीं है, बात को समझो। अब देखो यहाँ पर फिफ्थ ए की आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है किससे, फोर्थ ए से। अब मैं बात करता हूँ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, थोड़ा सा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहीं पर मैं बताता हूँ, इसको साइड में लिख लेना कहीं नोट डाल के। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी
सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अब क्या होता है बेटा हमारा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, बात को समझना। एम से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो एम प्लस बना है, इससे मैंने फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाला है तो आपका क्या बना है एम टू प्लस बना है। तो इस तरीके से आपके क्या हो रहे हैं बच्चों, कंटिन्यूस आप इलेक्ट्रॉन को निकाले जा रहे हो, कंटिन्यूस आप लोग क्या करे जा रहे हो इलेक्ट्रॉन को निकाले जा रहे हो। तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी वन, और यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी आयोनाइजेशन टू। अगर मैं बात करूँ आयोनाइजेशन एनर्जी वन की, तो आयोनाइजेशन एनर्जी वन आपका जनरली फिफ्थ ए एलिमेंट का ज़्यादा होता है, किससे, सिक्स्थ ए एलिमेंट से। लेकिन जब मैं बात करता हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी टू की, तो आयोनाइजेशन एनर्जी टू में क्या होगा कि अब देखो यहीं पर समझाता हूँ। फिफ्थ एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP3। देखो यहाँ पर हाफ फिल्ड है, इसका क्या होगा NH2NP4। लेकिन जब मैं इसमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी तो आपका आ गया, लेकिन अगर मैं बात करूँ सेकेंड, तो इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे मुझे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के देखना पड़ेगा M प्लस की स्टेबिलिटी। मुझको क्या देखना पड़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ M प्लस देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ M प्लस। जब आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट देखना था तो मैंने सीधा सीधा देख लिया, जब आयोनाइजेशन एनर्जी टू देखना है तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसकी स्टेबिलिटी देखनी पड़ती है, मतलब पीछे वाले की। समझ में आया? तो एक इलेक्ट्रॉन निकालो, अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाय द वे रिमूव करता हूँ तो क्या बन जाता है बेटा हमारा NH2NP2, और यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूँ तो NH2NP3 बन जाता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद इस ये आपका क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते ही आपका ये हाफ फिल्ड हो गया, तो इस बार आपका इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब फिफ्थ ए एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी सिक्स्थ एलिमेंट की फिफ्थ ए से। ये कब होगा, जब आपका सेकेंड होगा और जब आपका फर्स्ट होगा। थोड़ा सा इस पर आप लोग फोकस करिएगा, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग फोकस करिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में समझते हैं बच्चों हम लोग, नेक्स्ट जो एटॉमिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके बारे में समझते हैं। देख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी क्या होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई कोई बच्चे वैल्यू याद कर लेते, तो वैल्यू याद करना इट्स नॉट अ थिंग, वैल्यू हमको याद नहीं करना, अब हमको समझना है एक्चुअली। अब समझो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब आपको हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की और अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो ए और बी, अब इन दोनों में से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है बच्चों, इन दोनों में से आपका हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, ये वाला होता है, ये आपका हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और बी आपका क्या होता है बेटा लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब देखो यहाँ पर ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये इस तरफ की ओर आपको मूव करेगा, ये इस तरफ की ओर आपको पुल करेगा, ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये बातें तो आप लोग जानते हो। अगर मैं बात करूँ कि ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड्स क्या होता है बच्चों, इसमें डाउन टू द ग्रुप जाएंगे टॉप टू बॉटम, तो आपकी क्या होती है बच्चों, साइज तो बढ़ती है लेकिन उसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी घटती है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका कौन होता होगा बच्चों, ऑक्सीजन आपका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसके बाद सल्फर के बाद सेलेनियम के बाद टेलूरियम। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीजन इज द सेकेंड हाइएस्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब आपके इस ग्रुप में, इस पूरे पीरियोडिक टेबल में
इन पीरियोडिक टेबल, मतलब पीरियोडिक टेबल में जो आपका ऑक्सीजन है वो सेकंड मोस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। बात क्लियर हुआ? बात क्लियर हुआ? इस तरीके से हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड चला है। इस तरीके से हमारा यहाँ पर किसका ट्रेंड चला है बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड चला है। जहाँ तक आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। एक और इसमें पॉइंट है कि लास्ट में मैंने यही बताया था, मैंने नाइट्रोजन फैमिली में मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is inversely proportional to the directly proportional to the non-metallic character or inversely proportional to the metallic character। अब आप समझ सकते हो कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी इसके उसके अंदर मेटालिक कैरेक्टर होगा। तो इस बात को अगर मैं समझना चाहूँ तो आप लोग लिख सकते हो बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। अब देखो यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ पर हमारी मेटालिक कैरेक्टर आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं, और यहाँ पर क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका घट जाएगा। इस बात को ध्यान रखो, तभी आपका नीचे वाला क्या होता है बच्चों? मेटल होता है। समझ में आ गया? नीचे वाला मेटल क्या होता है, समझ में आ गया? इसी तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर वो भी निकाल सकते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेक्स्ट प्रॉपर्टी काफ़ी ईजी है बच्चों, ये सब पढ़ाया हुआ है, अब आपको याद होने लगना स्टार्ट हो गया होगा। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है बच्चों? ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम जब अपने में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराएगा, आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब हम एक इलेक्ट्रॉन का ऐड करते हैं, मतलब यहाँ क्या हुआ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है बेटा? माइनस चार्ज आता है, दैट इज कॉल्ड माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज। हियर व्हाट विल कम? नेगेटिव चार्ज विल कम। यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज आया है, इस पॉइंट को समझना है। तो इसका मतलब यहाँ पर जब आपका नेगेटिव चार्ज आया है तो नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ठीक है, समझना, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में वो एनर्जी, यहाँ पर क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी आपकी क्या होगी बच्चों? रिलीज होगी। जो एनर्जी आपकी क्या होगी बच्चों? रिलीज होगी। तो एनर्जी रिलीज इन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के एडिशन में जो आपकी एनर्जी रिलीज होगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी, यहाँ पर बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे, जो कि आपका क्या होगा बच्चों? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। कौन सा होगा? एंडोथर्मिक, क्योंकि आपका एक्सोथर्मिक होगा। क्या होगा आपका? एक्सोथर्मिक। कौन सा प्रोसेस होगा? एक्सोथर्मिक होगा, ये बात ध्यान है आप लोगों को, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? एंडोथर्मिक। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये पॉइंट काफी इजी था। अब आपको समझना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड क्या है। अब मैं ट्रेंड बता देता हूँ, ठीक है। जनरली व्हेन वी मूव टू द डाउन टू द ग्रुप, जनरली व्हेन वी मूव टू द डाउन टू द ग्रुप, डाउन टू द ग्रुप, अगर मैं ग्रुप में डाउन टू द ग्रुप में मूव करूंगा तो आपका क्या होगा बच्चों? टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा बच्चों? जल्दी बोलो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी कम होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी क्या होगी बच्चों? कम होगी। लेकिन मैंने आपको बताया था there are some exception
देर आर सम एक्सेप्शंस आर प्रेजेंट. मैंने आपको ग्रुप 15 में ही बताया था इसके बारे में, ग्रुप 15 में भी देख सकते हो. देर आर सम एक्सेप्शंस आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट इन ग्रुप 15, 16 एंड 17. क्या होता है ग्रुप 15 और 16 में, जनरली मैं आपको बताता रहता हूँ, जनरली आप क्या लिखना चाहोगे, अगर ऐसा ट्रेंड होगा तो आप क्या लिखोगे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा, फिर सल्फर की, फिर सेलेनियम की, फिर टेलुरियम की. लेकिन आपका क्या होता है एक्चुअली में, क्या होता है बच्चों, एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर सेलेनियम की, यहाँ पर सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा, देन आफ्टर सेलेनियम की, देन आफ्टर ऑक्सीजन की, देन आफ्टर टेलुरियम की. ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है समझते हैं. ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ एटम, ऐसा क्यों होता है बेटा, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ एटम. अब यहाँ पर ऑक्सीजन का साइज क्या होता है, ऐसा इसलिए होता है बच्चों ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम. मतलब ऑक्सीजन एटम का क्या होता है बच्चों, स्मॉल साइज होता है. अब जब हमारे ऑक्सीजन एटम का स्मॉल साइज होगा तो स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होगा, जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अब मैं बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ तो ये स्मॉल साइज में होंगे, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा डेंस होंगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपके क्या होंगे बच्चों, क्लोज क्लोज होंगे. अब ये इलेक्ट्रॉन इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो मुझे बाहर से एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मुझे क्या होगी बच्चों, आउटर साइड से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. और जब मुझे आउटर साइड से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड व्हाट, एंडोथर्मिक. तो ध्यान रखना ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ एटम ये क्या हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, नेगेटिव में होती है. इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, नेगेटिव में होती है. अब मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज अ नेगेटिव मॉड, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन के लिए जनरली पहले से ही आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, ये पॉजिटिव. तो ऑक्सीजन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है बच्चों, डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी पॉजिटिव. इसका मतलब रिएक्शन क्या होगी इसके लिए, एंडोथर्मिक. और बाकी सबके लिए क्या हो जाती है बच्चों, एक्सोथर्मिक. तो ये कुछ एक्सेप्शन है, आपको ध्यान रखना है इसको. मैंने ऐसा कर्व भी प्लॉट किया था बेटा आप लोगों के सामने, कि ऐसा ऐसा कुछ कर्व भी मैंने प्लॉट किया था. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाँ ऐसा कुछ मैंने कर्व भी आप लोगों के सामने प्लॉट किया था, ध्यान रखना, जिसमें मैंने बताया था कि ये 15, 16, 17, ठीक है, एटॉमिक नंबर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो फर्स्ट पीरियड के, ये जो आपके हैं एलिमेंट आपके कौन से हैं, फर्स्ट पीरियड के, और ये आपके सेकंड पीरियड के, और सेकंड पीरियड के बाद ये कौन से बच्चों, थर्ड पीरियड के. तो आपको जनरली समझ में आ रहा होगा कि सेकंड पीरियड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एंड एफिनिटी ज़्यादा होता है. सेकंड पीरियड एलिमेंट का जनरली आपका ये सेकंड पीरियड है, सॉरी ये आपके सेकंड पीरियड है, और ये आपका कौन सा पीरियड है, थर्ड पीरियड ऐसा कुछ मैंने ऑर्डर लिखवाया होगा, थर्ड पीरियड. तो जनरली आपका थर्ड पीरियड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है, लेकिन ऑक्सीजन में कुछ उल्टा होता है, थर्ड पीरियड का सेकंड पीरियड से ज़्यादा होता है. रीज़न क्या है बच्चों, सेकंड पीरियड का कौन सा साइज होता है बच्चों, आपका स्मॉल साइज होता है, सेकंड पीरियड आपका स्मॉल इन साइज होता है. लेकिन ऑक्सीजन में क्या होता है, ये आपका थर्ड से ना जाके सेलेनियम से भी छोटा हो जाता है. ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए, अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है इसमें से, ठीक है, काफ़ी सिंपल है. ये तो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड था, अभी हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी खत्म हो चुका है बच्चों. तो अभी तक हमने यहाँ पर एटॉमिक प्रॉपर्टी को तो समझ लिया, एटॉमिक प्रॉपर्टी को तो इसको समझ लिया बच्चों. अब इसमें कुछ आपके केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है, इसके कुछ आपके क्या होते हैं बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो उसको भी थोड़ा बहुत हम लोग फोकस कर लेते हैं अभी की क्लास में. तो देख लेते हैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी कौन कौन सी है. यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर एक फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते पहले, फिजिकल प्रॉपर्टी. अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी क्या होगी, सबसे पहला मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. अब देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, व्हेन वी मूव टू द डाउन टू द ग्रुप, जब मैं डाउन टू द ग्रुप जाऊंगा तो वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है,
व्हेन वी मूव टू द टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल, तो क्या होगा बच्चों, वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है। अब वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा आपका, वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, और वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स आपके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, आपके साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका जितना ज़्यादा साइज होगा उसका वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स उतना ज़्यादा होगा। अब जितना ज़्यादा वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, मतलब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, और वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स VAF लिख रहा हूँ, वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, व्हेन वी मूव टू द डाउन टू द ग्रुप, व्हेन वी move down to the group in oxygen family, then क्या होगा बच्चों आपका, आपका melting point और boiling point दोनों बढ़ेगा, melting point and boiling point both are increases. सारे के सारे आपके इंक्रीज हो जाते हैं। बात क्लियर है, सारे के सारे आपके इंक्रीज आपके हो जाएंगे। ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है बच्चों, वो आपकी क्या है बच्चों, कैटिनेशन पावर। तो समझते हैं हम लोग यहाँ पर कैटिनेशन पावर। कैटिनेशन पावर क्या होता है बच्चों, एबिलिटी टू सेल्फ लिंकेज। कैटिनेशन पावर को हम क्या बोलते हैं, एबिलिटी टू सेल्फ लिंकेज, मतलब अपने आप को खुद से जोड़ने की एबिलिटी। तो यहाँ पर होता है एबिलिटी टू सेल्फ लिंकेज इज कॉल्ड कैटिनेशन पावर, मतलब अपने ही तरह एटम को जोड़ लेना, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कैटिनेशन पावर बोलते हैं। इसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, कैटिनेशन पावर, ठीक है। तो यहाँ पर इन दिस फैमिली सल्फर हैज हाईएस्ट कैटिनेशन पावर। अब ऐसा क्यों है बच्चों, समझेंगे यहाँ पर। देखो सल्फर के बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड लेंथ और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड लेंथ यहाँ पर लोन पेयर होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, और रिपल करने की वजह से यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। कौन सा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और रिपल्सिव फोर्स लगने की वजह से ये वाला आपका दूर जाएगा। इसका मतलब इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ आपका SS का बहुत ज़्यादा होता है, जैसे नाइट्रोजन फैमिली की बात की थी उसी तरीके से यहाँ पर कैटिनेशन पावर। इन दिस फैमिली सल्फर इज द हाईएस्ट कैटिनेशन पावर। सल्फर की आपकी कैटिनेशन पावर काफ़ी ज़्यादा हाई होती है इस फैमिली में। बात समझ में आ गई, इस फैमिली में आपके सल्फर की कैटिनेशन पावर सबसे ज़्यादा हाई होती है। वैसे जनरली ऑल एलिमेंट कैन फॉर्म एलोट्रॉप्स, यहाँ पर क्या होंगे बच्चों, यहाँ पर जनरली ऑल एलिमेंट्स कैन फॉर्म एलोट्रॉप्स। सारे के सारे एलिमेंट आपके क्या बना सकते हैं बच्चों, यहाँ पर एलोट्रॉप्स बना सकते हैं, एलोट्रॉप्स को फॉर्म कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दो एलोट्रॉप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, O2 होता है, एक आपका O3 होता है, ठीक है, एक आपका O2 होता है, एक O3। S का क्या होगा बच्चों, रोम्बिक सल्फर होता है, एक होता है अल्फा बीटा मोनोक्लिनिक सल्फर। अल्फा बीटा दो अलग अलग टाइप है, अल्फा बीटा इज टू डिफरेंट टाइप ऑफ एलोट्रॉप्स। अल्फा बीटा मोनोक्लिनिक सल्फर ये भी आपका होता है, अल्फा बीटा मोनोक्लिनिक सल्फर भी आपका होता है। थोड़ा सा ध्यान से समझो, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। सेलेनियम भी आपका क्या होता है बच्चों, एलोट्रॉप्स का फॉर्मेशन करता है। यहाँ तक आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी कि कौन आपके एलोट्रॉप्स का फॉर्मेशन करता है और कौन नहीं। ये एक्चुअली सेलेनियम आपका डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म में रहता है, मतलब डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये आपका डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म में ये आपका एग्जिस्ट करता है। बात क्लियर हुई बच्चों, इतना आपको समझना है। अब देखो, अब हमको समझना है बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन फैमिली।
अब देख लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन फैमिली की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी है यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन फैमिली में केमिकल प्रॉपर्टी हमको समझना है। तो सबसे पहला जो कि केमिकल प्रॉपर्टी है, लाइक नाइट्रोजन, O2 कैन फॉर्म, O2 इज प्रेजेंस इन डाई एटोमिक फॉर्म। तो जनरली ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन डाई एटोमिक फॉर्म। मतलब मेनली आपका क्या होता है, ऑक्सीजन आपका डाई एटोमिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब डाई एटोमिक फॉर्म का मतलब दो ऑक्सीजन आपस में जुड़े होंगे। अब जो यहाँ पर जो एक डबल बॉन्ड होगा वो क्या होगा बच्चों, आपका पी पाई बॉन्ड। कौन सा होगा बच्चों आप लोगों का, पी पाई बॉन्ड। तो इस बात को ध्यान से समझो, यहाँ जो आपका डबल बॉन्ड होगा वो खुद में क्या होगा बच्चों, पी पाई बॉन्ड, जैसे नाइट्रोजन में था उसी तरीके से। तो यहाँ पर आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपका होगा पी पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पर आपका पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ तक अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली क्या होता है, ऑक्सीजन इज अ स्मॉल इन साइज so it has ability to form p pi bond, but अब यहाँ पर ऑक्सीजन है उसका साइज स्मॉल होता है, but sulfur has not ability to form p pi bond। मतलब सल्फर में आपके p pi bond बनाने की एबिलिटी नहीं होती है, सल्फर में आपके जनरली p pi bond बनाने की एबिलिटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है बच्चों, ये आप लोग खुद भी बोल सकते हो यहाँ पर, कि सल्फर का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर मैंने बोला ना ऑक्सीजन का स्मॉल साइज है, इसलिए इसके अंदर एबिलिटी है p pi bond बनाने की। तो सल्फर में क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसका साइज बड़ा होगा, ड्यू टू द लार्ज साइज। मतलब साइज बड़े होने की वजह से ये आपका क्या नहीं बना सकता बच्चों, पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। आप देखो, सल्फर्स आर मेनली एग्जिस्ट इन एसिड एंड H6। अब देखो एसिड क्या होता है बच्चों, एसिड का स्ट्रक्चर आपका क्या होता है बच्चों क्राउन शेप। जैसे किंग होता है, किंग के ऊपर जो क्राउन होता है वही होता है। अब देखो क्राउन शेप में जो आपके पॉइंट है वो आपके क्या बताएंगे बच्चों, आपके सल्फर एटम। तो यहाँ पर एक सल्फर होगा। इट इज लाइक अ क्राउन शेप। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर H6 क्या होगा बच्चों, यहाँ पर H6 आपका क्या होगा, देख लेते हैं। अब H6 क्या होगा बच्चों, यहाँ पर H6 आपका लाइक अ चेयर फॉर्म, H6 आपका किस फॉर्म में होगा बच्चों, चेयर के फॉर्म में होगा। मतलब ये आपका कौन से फॉर्म में होता है, H6 का स्ट्रक्चर आपका चेयर के फॉर्म में होता है। यहाँ सल्फर होगा। दैट इज अ चेयर फॉर्म, ये आपका चेयर फॉर्म है, और ये आपका कौन सा फॉर्म है बच्चों, क्राउन शेप है। ये आपका कौन सा शेप है बच्चों, क्राउन शेप है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की है। देखो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ और भी है बच्चों, यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप लोगों के और भी है।
तो इस चीज को समझना है हमको कि केमिकल प्रॉपर्टी किस तरीके से हमको चलना है, समझ में आया। अब अगला जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो हमारा क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो समझ लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अगला पॉइंट समझेंगे बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली आपके ग्रुप की कहां से कहां लाई करती है, मैंने आपको बताया था जनरली ग्रुप की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ग्रुप नंबर -8 टू ग्रुप नंबर तक लाई करती है, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलना चाहूं यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करना चाहूं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बच्चों समझेंगे, जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या, ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां लाई करता है, जीआरपी नंबर -8 टू जीआरपी नंबर, मतलब आपका इसका ग्रुप नंबर कितना है, 16 नहीं है, इसको बोलते हैं सिक्स्थ ए, इसको क्या बोलते हैं सिक्स्थ ए। तो सिक्स्थ ए के हिसाब से क्या होगा बच्चों, यहां पर आप लोग समझ सकते हो 6 -8 टू ऑक्सीडेशन नंबर और यहां पर आपका हो जाएगा 2 6। तो कहां से कहां लाई करेगा ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों, यहां पर -2 to 6। अब जो आपका ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन का मेन ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, तो बात समझना, मैं ऑक्सीजन मेनली शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन मेनली शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऑक्सीजन आपका मेनली क्या शो कर सकता है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये और भी अदर ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकता है, तो इट कैन शो मोर ऑक्सीडेशन स्टेट, इट कैन शो अदर ऑल्सो ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक, मतलब कौन कौन से बच्चों समझते हैं, यहां पर मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे अगर मैं बोलना चाहूं -2 दिखाएगा, इसका मतलब ये क्या होगा बच्चों, ऑक्साइड का मतलब Li2O आपका इसके अंदर ऑक्साइड है, CaO MgO। एक आपका दिखाएगा -1 का मतलब क्या होगा, पेरोक्साइड, -1 का मतलब क्या होगा, पेरोक्साइड, जैसे H2O2 इसको बोलेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका थोड़ा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, इसका भी दीजिए जरा बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो इसका भी जरा ऑक्सीडेशन नंबर निकालो और इसका भी जरा आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। अगर मैं बोलना चाहूँ यहाँ पर Na2O2, तो ये भी आपका इसका जरा ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो -1 आ जाएगा। अब एक और बात है, यहाँ पर -2 भी शो करता है, -2 किसके केस में बच्चों, सुपर ऑक्साइड की केस में, किसके केस में बच्चों, सुपर ऑक्साइड। इसका एग्जांपल है आपका KO2। अब इस एग्जांपल से मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये आपके KO2 गैस है ना, वो आपके सबमरीन में काम आती है, किसमें काम आती है, सबमरीन में ऑक्सीजन ऑब्टेन करने के लिए। ये आगे मैंने एस ब्लॉक में बताया गया है और आगे मैं बहुत सारी जगह में रहता हूँ, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ऑक्सीजन आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। अब +1 कब शो करेगा, उसके लिए एग्जांपल क्या होगा, O2F2। अगर तुम O का निकालना चाहोगे तो अपने आप आपको चमक जाएगा कि यहाँ पर O का +1 है। अब यहाँ पर आपका कौन सा शो कर सकता है, एक आपका +2 भी शो कर सकता है। ऑक्सीजन आपका कौन सा शो कर सकता है बच्चों, +2 भी शो करता है। अब +2 कब शो करेगा बच्चों, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपका कब शो करेगा बच्चों, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर +1 तो O2F2, यहाँ पर OF2 में ये आपका क्या शो करेगा बच्चों, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन आपके ऑक्सीजन बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था 9 हाइड्रोजन फैमिली में, तो समझते हैं उसको इनर्ट पेयर इफेक्ट को, अगला पॉइंट डाल के केमिकल प्रॉपर्टी इसी सीक्वेंस में आप लोग याद करते जाओ। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने लिखवाया था, अब देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या बोलता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब ये है बच्चों, when we move down to the group in periodic table
हायर ऑक्सीडेशन नंबर विल बी स्टेबल, हायर ऑक्सीडेशन नंबर विल बी स्टेबलाइज, हायर ऑक्सीडेशन नंबर विल बी स्टेबल, मतलब आप सॉरी हायर नहीं लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर विल बी स्टेबल। अब समझना यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूँ बच्चों, उसको समझना। जैसे मैंने बात किया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ठीक है। अब बात समझना, यहाँ पर मैं प्लस फोर और प्लस फाइव प्लस सिक्स के बारे में बात करता हूँ। अगर मैं डाउन टू द ग्रुप जाऊँगा तो आपका प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या हो जाएगा बच्चों, स्टेबल होगा। प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा, मैं टी तक बात कर रहा हूँ। और आपका प्लस, यहाँ पर मैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ ना कि नेगेटिव। और प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा बच्चों, डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बच्चों, अनस्टेबल होगा, ठीक है, अनस्टेबल होगा। अब देखो पीओ आपका, पीओ नेवर कैन शो माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट, माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट आपका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू कभी शो नहीं करेगा। इसका रीजन क्या होगा, थोड़ा बात को समझना। पीओ आपका क्या होता है, मेटल होता है। पीओ आपका क्या होता है बेटो, मेटल होता है। पीओ इज अ मेटल, पीओ इज अ मेटल। पीओ जब आपका मेटल होगा तो मेटल हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, नॉट गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो मेटल मेटल होता है, इसका मतलब मेटल हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी आपका मेटल रखता है। तो ये केवल और माइनस टू तो शो ही नहीं कर सकता। अब है ना प्लस में भी कौन सा शो करेगा, मतलब ये वो ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट होने की वजह से यहाँ पर ये पोलोनियम हमेशा प्लस टू ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होगा और प्लस टू ही शो करेगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका बन सकता है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन समझते हैं। अगर मैं पूछना चाहूँ सल्फर सेलेनियम और टेलोरियम में, मेरे पास एक प्लस फोर है, एसी प्लस फोर है और टी प्लस फोर है, बताओ कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। डाउन टू द ग्रुप जाते तो आपका लोअर ऑक्सीडेशन नंबर आपका स्टेबल होता है, तो इसका मतलब टी पे प्लस फोर ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू एस पे प्लस फोर से। लेकिन अगर मैं बोलना चाहूँ यहाँ पर एस प्लस सिक्स और एसी प्लस सिक्स और टी प्लस सिक्स, इन सब में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, तो आप देख रहे हो डाउन टू द ग्रुप जा रहे तो हायर ऑक्सीडेशन नंबर लो, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों, यहाँ पर ये आपका लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है और ये आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये आपका कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या है बच्चों, अनस्टेबल हो रहा है। तो डाउन टू द ग्रुप जाते तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आपका अनस्टेबल होता है, इसका मतलब ऊपर वाला स्टेबल होगा। तो प्लस सिक्स एस के ऊपर प्लस सिक्स आपका ज़्यादा स्टेबल होगा, लेकिन टी के ऊपर प्लस फोर ज़्यादा स्टेबल होगा। और पीओ आपका केवल और केवल प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में ही आपको एग्जिस्ट करने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो था कुछ हमारा ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड, मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एनामलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन के बारे में समझेंगे, और फिर हम ऑक्सीजन फैमिली से रिलेटेड कंपाउंड के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ऑक्सीजन फैमिली से रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप सो कि आपको ये अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।